राजधानी रायपुर में बारिश ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। स्कूल खुलने से पहले विभाग की ओर से किए जा रहे तमाम दावों की पोल खुल गई है। बारिश से कई स्कूलों में पानी भरा हुआ है और साथ ही बच्चों को मिलने वाली साइकिल खुले आसमान के नीचे पड़ी। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण रायपुर में बच्चों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरा, जो बच्चों को बांटने के लिए जो साइकिलें लाई गई हैं वो बरसात में ख़राब हो रही हैं। आपको स्वामी आत्मानंद स्कूल मोवा का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे स्कूल का मैदान है पूरे तरीके से ये पानी से भरा हुआ है और बच्चों को इसी पानी के बीच से आना जाना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी लापरवाही हम आपको दिखाते हैं कि जो 9वीं की छात्राएं होती है, STSC और BPL वर्ग की जो बच्चियां होती हैं 9वीं की, उनको साइकिलें बांटी जाती हैं, तो ये पूरा साइकिल का स्टॉक यहां पर डंप किया गया जो बारिश में खुले आम यहां पर पड़ा हुआ है और ये धीरे धीरे जो है वो साइकिलें जंग खा रही हैं। 1400 साइकिल जो है वो रायपुर के मोवा स्कूल में डंप है, भाटागांव स्कूल, बीरगांव स्कूल, सभी जगह ऐसे स्टॉक रखे गए हैं, लेकिन सब ये खुले पड़े हैं आसमान के नीचे और आप देखेंगे लगातार ये पानी इस पर पड़ रहा है और अगर समय पर इसे बांटा नहीं गया तो ये इस पर सब में जंग लग जाएगा। हालांकि 10 दिन का शाला प्रवेश उत्सव है, उम्मीद करते हैं कि बारिश तेज से शुरू हो, ये सब सामान खराब हो उसके पहले ये बांट दिया जाए, लेकिन फिलहाल बता दें स्कूल प्रबंधन लगातार स्मार्ट सिटी से बात कर रहा है, विभाग से बात कर रहा है कि इसे बांटा जाए और साथ में साइकिलों को ढका जाए, लेकिन दूसरे तरफ से जो है कोई भी जवाब या रिएक्शन नहीं आ रहा है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। टेंडर है वो स्मार्ट सिटी को दिया गया है, स्मार्ट सिटी को हमने लिखित में और मौखिक आग्रह किए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा इस समस्या का समाधान हो जाए। शाला प्रवेश उत्सव 15 दिनों तक चलना है तो उठा उठा कर ले जा रहे हैं, हाँ, लेकिन फिलहाल जो साइकिल रेडी है उन्हें ढकने की व्यवस्था की जा रही है।